अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक होगी आपकी? और इसी के साथ, क्योंकि वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग, इसी के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और मैं बताता चलूँ, आज मैंने अपने दोस्तों की इफ्तारी कराई है और वो अभी कुछ देर तक पहुँचने लगे हैं, तो मैं भी चलता हूँ आपको लेके, क्योंकि मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ इंतजाम किए जाएँ। और इसी के साथ इंतजाम हो रहे हैं और चलते हैं। अब ये देखिए, उनके लिए देख बनवा रहे हैं तो कहा। और इसी के साथ देख वाले अंकल हमारे आ गए हैं और वो बनाना शुरू कर देने लगे हैं, क्योंकि 3 बजे बनवाएंगे। अच्छा, रेडी करवाएंगे ताकि 5-6 बजे 5-5:30 बजे तक लोगों के घरों तक पहुंच जाए। और जो मेरे दोस्त हैं वो भी आ रहे हैं और चलते हैं, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मुलाकात करते हैं आपसे। ज़्यादा मेहनत। इसी के साथ प्याज तो अंकल ने छील लिए हुए हैं, और उसके बाद है ये बिरयानी मसाला और टमाटर आलू। आज जो हम देग बनवा लिया है वो हमने बना लिया है, चाइनीज़ चावल जिसे कहते हैं वो बनवाएंगे आज देग, ठीक है? और अंकल बनाते हैं, और क्योंकि 10 किलो की देग है, ठीक है? 2 घी के पैकेट डालेंगे और उसके बाद जो रियात होंगी वो उसके मुताबिक डाली जाएंगी। और बताता चलो कि क्योंकि आज वैसे ही 21वां रोज़ा है, और रोज क्योंकि आज मेरा जो दिन है ना वो सारा घर में ही है, क्योंकि मैं दोस्तों की इफ्तारी करानी है, उसके बाद ये इंतज़ाम देखना है। और इसलिए एक आपको कहा है मेरे साथ है, क्योंकि मैं रोज़ा क्योंकि लगता है जिसे रोज़ा लग रहा वैसे ही, क्योंकि 3 बजे इस वक्त टाइम जो हो गया, 3:30 बजे का टाइम हो गया मुझे, और रोज़ा तो लगता है। चले अभी फिलहाल बना रहे हैं, देख करके शुरू करते हैं। तो कार साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि लूने चावल ना बनाए जाए। कौन से बनाए जाए चावल? मीठे चावल। आप लोग देख सकते हैं हमारे कार साहब को, ये हमारे एक संग दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे कार साहब हैं हमारे, इन्होंने हमें पढ़ाया भी है। और कारी साहब को हमेशा हम भूल जाते हैं, आज स्पेशल कुदरती कार साहब खुद आए हैं। नहीं आंटी ने मिक्स चावल का है आपको, वेजिटेबल चावल जिसमें होता है आलू प्याज टमाटर मिक्स, गोश्त भी होगा, टेंशन ले आप, वो भी बोटी भी खाएंगे, रामी हो, टेंशन ले आपको बोटी भी मिलेगी। और आप लाजमी आना फिर, तो मैं दे जाओ। मजा आया कर सब, नाराज ही होगा, नाराज से नहीं होगे? दे दूंगा वो सब, चले गए क्योंकि मैं अक्सर जब बनवाते हैं तो भूल जाते हैं घर सब। तो अब जल गई इस टाइम, और तेल की आवाज आपको आ रही होगी बहुत ज्यादा, टी 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 टी। बोला तूने एक पहले क्या बोला? और इसी के साथ गोश्त आ गया, तो अब गोश्त भी इंशाल्लाह डालते हैं, और बाकी ऑलरेडी चीजें डाल दी है, कम ही डालना है। हाँ कम ही रखना है, कम ही डाल दिया। अब ये मिर्चे डाल लगे हैं, और इसी के साथ अभी और काम है बहुत, तो रोजे में क्योंकि आपको पता तो है रोजे में देग बनाना मुश्किल काम है, रोजा लगता है क्योंकि गर्मी आगे से बहुत ज्यादा होती है, उफ चूंकि रोजा भी रखा होता है, ओए होए होए बहुत ज्यादा जी, एक्टिंग के बादशाह हो कसम से, बहुत रोजा लगता है क्योंकि फिर ये चीजें जो करना बहुत मुश्किल है। मम्मी डैडी बच्चा तो नहीं कर सकता ये वाला काम, बाकी हम तो हैं भाई जान देसी बॉय, तो ये काम हम कर सकते, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ जाने का। तो अब से अब इसको हम इस तरह शेक करते हैं ताकि वो जो नीचे मसाला ना वो नीचे ना लगे, और इससे ताकि इसको 15 मिनट या 5 मिनट अच्छे से करते हैं, ताकि आपका जो ये चीज़ें सही रहे, ठीक है? तब आपको खाते हैं। अब बस फाइनल टच है हमारा चावलों का, वो चावल डालेंगे तो उसके बाद दम पे माशाल्लाह से तैयार हो गई है। भाई देख देखते हैं, मेरा हाथ सड़ गया, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से तैयार हो गई हमारी जो देख है, और शो बहुत कमाल की थी, बाकी रोज़ा लगने शो हो गया, खुदाया पर क्या करें, सब्र 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 का पाक मीठा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैं दिखा लगा था वो कैमरा दुर्गा क्योंकि अंदर से वो फॉग है ना, बहुत जिसे कहते हैं वो गर्म कैसे, पर अभी अंकल भी हमारे जा रहे हैं, बस वो सफाई कर रहे हैं ताकि जो चावल है नीचे ना लगे, तो ताकि इसलिए करते हैं। माशाल्लाह फाइनली यहाँ का देख कंप्लीट हो गई है, और मेरा इसी के साथ हाथ पे लग भी गई है, और ये देख कंधे, और इसी के साथ हमारा ये देख कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मतलब थाली का सामान शमान है वो अब नीचे लेके जाएंगे दोस्तों के लिए, ड्राइंग में इंतज़ाम करेंगे, और क्योंकि बाकी तो चीज़ें हैं वो नहीं मैंने दिखाई, और उसके बाद हम चलते हैं नीचे, और चलते हैं इसी के साथ बांधने का सिलसिला शुरू हो गया, देख सकते हैं। तो अब जा रहे हैं उधर, धूप तो लगती है, चले चलते हैं देखते हैं। Okay.
यहीं पे हम व्लॉग फिनिश करते हैं क्योंकि अब सारे हमारे दोस्त जा रहे हैं, क्योंकि एक दोस्त की तो इस वक्त तबीयत खराब हो गई है, तबीयत बिल्कुल खराब हो गई है। हाँ वो कर दिया उसकी एक दोस्त तेरे मुंह में उसकी शक्ल देख के रोने वाला हो इस टाइम है। उफ खुदाया कहाँ से वीडियो निकाल ली, तुम दुखी दुखी हो गए। के साथ मैं मेरे दोस्त जा रहे हैं अब घर वापस अपने। ओहो इतना दूर बाइक खड़ा किया। अल्लाह हाफिज। और इसको पसंद आई है लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ व्लॉग यहाँ पे फिनिश करते हैं।